हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में अगेन हम चैप्टर सीखने वाले हैं सीमान परतर पद्धति। ऑलरेडी ये थर्ड वीडियो है, इससे पहले दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आज की इस वीडियो की, तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करना सीखने वाले जो एग्जाम में पूछे जाता है ऑलवेज। तो आज का टॉपिक है जब ऑलवेज जब दो ईयर या दो मंथ रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, जिसमें दो इन्फॉर्मेशन दी होती है, एक वेचाण की और एक नफो की, और उसके बेस पर हमें कुछ फाइंड आउट करना होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ यही होता है, यही पूछा जाता है। जैसे कि पीवी गुणोत्तर पूछा जाएगा, स्थिर खर्चा, समतुल बिंदु, और इतना नफा हो तो वेचाण कितना होगा, या तो वेचाण इतना हो तो नफा कितना हो, यही पांच टॉपिक पूछे जाते हैं। ओके, तो आज इस टाइप का सब हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिससे हम 1000K सब्सक्राइबर तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन देखते हैं आपको, मैं क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करा रहा हूँ, जो है यूनिवर्सिटी 2012 का सम्स है। ओके, सम्स नंबर 12 सॉल्व करा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर फरवरी और मार्च ये दो मंथ दिए गए, और हमको डिटेल में लिखा गया परतर और नफो, ये दो इन्फॉर्मेशन दी गई है। फरवरी का परतर दिया गया, मार्च का परतर दिया गया, उसी प्रकार से फरवरी का नफो और मार्च का नफो। तो सबसे पहले देखिएगा, ऑलवेज इस टाइप के सम्स में, ये मैंने सम्स लिखा हुआ है, बट इस टाइप के सम्स में हमें जो डिटेल चाहिए होती है वो दो होती है, वो वेचाण की चाहिए होती है और सेकंड नफो की चाहिए होती है। ये दो कंपलसरी होनी चाहिए, उनके बेस पर ही आगे सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। बट सम्स में ऑलवेज कुछ ना कुछ मिसिंग होता ही है, जैसे यहाँ नफो की डिटेल जरूर दी गई है लेकिन वेचाण की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हमें वेचाण कैसे मिलेगा, तो देखना ध्यान से। तो सबसे पहले नफो की डिटेल दी गई है वो हम लिख लेते हैं, कि जो नफो है वो फरवरी और मार्च का, यहाँ दिया नफो 1,25,000, और जो मार्च का दिया गया है वो 1,75,000। बात करते वेचाण, तो वेचाण के लिए हमें क्या करना है, तो हमको बेसिक पता होना चाहिए कि वेचाण कैसे बनता है। तो वेचाण बराबर होता है परतर प्लस नफो होता है, मतलब परतर में नफो जोड़ते तो हमारा वेचाण बन जाता है। तो परतर की इंफॉर्मेशन तो जरूर दी हुई होगी सम्स में। तो देखो यहां परतर भी दिया गया और ये नफो, तो परतर प्लस नफो करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा वेचाण की वैल्यू मिल जाएगी। तो 11,25,000 प्लस 1,25,000, तो टोटल हो जाएगा हमारा 12,50,000। ओके, ऐसे मार्च के लिए भी, तो यहां 13,25,000 प्लस 1,75,000, तो ये हो जाएगा हमारा 15,00,000। ये हो गया अपना वेचाण। अब इंफॉर्मेशन हो गई कंप्लीट, अब हम सम सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए टॉपिक में क्या पूछा गया है। तो पहला टॉपिक जो पूछा गया सम्स में, पीवी गुणोत्तर, नफा जतानो गुणोत्तर। देखिए पीवी के फॉर्मूले बहुत सारे हैं, पर इस सम्स में जब ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो तो पीवी का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। देखिए क्या रहता है, पहला पीवी गुणोत्तर, तो पीवी गुणोत्तर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखिए क्या होगा, यहाँ पे होगा नफा मा फेरफार। फेरफार मीन्स होता है डिफरेंस, जो हमारे ईयर या मंथ में जो डिफरेंट आ रहा है वो, अपॉन में होता है वेचाण मा फेरफार। मतलब पीवी का फॉर्मूला याद रखिएगा, जब इस टाइप का सम्स रहेगा तो यही लिखना रहेगा, नफा मा फेरफार, वेचाण मा फेरफार। तो ऑलवेज हमें दो मंथ या दो ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, तो दोनों के बीच में क्या देखने का, हमको डिफरेंट देखने का कि पिछले साल से इस साल कितना बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो नफा मा फेरफार, तो नफा, तो पहले मार्च में से फरवरी का माइनस करना रहेगा, 1,75,000 मार्च का माइनस फरवरी का नफा 1,25,000, ये हो गया फेब महीने का नफा मा फेरफार। ऐसे अपॉन में क्या है, वेचाण मा फेरफार, तो वही देखेंगे, वेचाण मार्च का है 15,00,000 और माइनस फरवरी का हो जाएगा 12,50,000। ओके, तो अब 1,75,000 माइनस 1,25,000, तो नफा मा फेरफार आएगा 50,000 का फेरफार हुआ। वही वेचाण की बात करते हैं, 15,00,000 माइनस 12,50,000, तो 2,50,000 का फेरफार हुआ। तो अब इनका हम डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिक हमको पीवी का आंसर मिल जाएगा, जो आंसर आएगा 0.2। आप इंटू 100 करेंगे तो 20% मिल जाएंगे, बात एक ही हुई। ये हो गया हमारा नफा जत्था का गुणोत्तर, मीन्स पीवी गुणोत्तर, ये फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या देखा गया है, स्थिर खर्चा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा गया है। स्थिर खर्चा पूछा जाएगा क्योंकि उसके बिना हम संतुलन बिंदु फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, तो स्थिर खर्चा तो इस टाइप के सम्स में निकालना रहेगा ही। तो देखिए स्थिर खर्चा कैसे निकलेगा, अब तो स्थिर खर्चा के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, कि स्थिर खर्चा मतलब फॉर्मूला होता है फाड़ो माइनस नफो,
फाड़ो माइनस नफो, ये होता है स्थिर खर्चा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नफो तो सम में दिया हुआ ही होता है, एक नहीं दो दो दिया होता है, तो आप कोई भी ले सकते हो क्योंकि स्थिर खर्चा तो सेम ही रहता है, एक मंथ का, दो मंथ का, ईयर का सेम ही रहता है। तो नफो जैसे मैं पहला फरवरी का लेता हूँ, आप मार्च का भी लेके कर सकते हो। तो फरवरी का नफो दिया गया 1,25,000, राइट। अब बात करते हैं फाड़ो की। अब ये फाड़ो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो फाड़ो के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है जो पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ, वेचाण इंटू पीवी गुणोत्तर, ये हो जाएगा, इस तरह से फाड़ो निकलेगा। अब वेचाण तो याद रखिएगा, जो नफो लिया है ना उसी ईयर का या उसी मंथ का हमें वेचाण लेना होगा। ये नफो जो लिया गया है 1,25,000, तो उसी मंथ का वेचाण कितना है 12,50,000। तो फाड़ो के टॉपिक में वेचाण वही लेना है, 12,50,000 इंटू में क्या है पीवी गुणोत्तर। तो पीवी गुणोत्तर ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं 0.2 या 20%, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.2। ये हमारा हो गया फाड़ो के लिए वेचाण इंटू पीवी गुणोत्तर। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000, ये मिल गया हमारा फाड़ो के अमाउंट। अब इसी खर्चे के लिए फाड़ो 2,50,000 माइनस नफो उस साल का 1,25,000, तो हमारा आ गया स्थिर खर्चा 1,25,000, ये हो गया आंसर स्थिर खर्चा का। ओके, तो ये टॉपिक भी हुआ कंप्लीट। अभी देखते हैं थर्ड, क्योंकि सम्स एग्जाम में 7 मार्क का पूछा जाता है, मिनिमम 7 मार्क का रहता है, तो एक से ज्यादा टॉपिक तो पूछे गए। थर्ड नंबर पूछा गया समतुल्य बिंदु, तो अब समतुल्य बिंदु याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है स्थिर खर्चा फाइंड आउट कर दिया है। तो समतुल्य बिंदु का फॉर्मूला जो अप्लाई होगा, जो पहले था वही होगा, स्थिर खर्चा अपॉन में क्या आता है पीवी गुणोत्तर, क्योंकि पीवी गुणोत्तर ने फाइंड आउट किया इसलिए अपॉन में अपने को पीवी गुणोत्तर यूज करना रहेगा। स्थिर खर्चा अमाउंट मिल गई हमें, कितना मिला 1,25,000, अपॉन में क्या है पीवी गुणोत्तर, तो पीवी गुणोत्तर जो ऑलरेडी मिला 0.2, तो आ जाएगा पीवी गुणोत्तर 0.2। तो अब आंसर आ जाएगा डिवाइड करके डायरेक्टली, तो आंसर आ जाएगा 6,25,000, ये आएगा हमारा रुपए में आंसर। ओके, ये हो गया समतुल्य बिंदु, बहुत ही नॉर्मल है। लास्ट टॉपिक एक और पूछा गया है, तो देखिए क्या पूछा गया है, 2,50,000 नफो कमावा जरूरी वेचाण सूत्र, मतलब 2,50,000 का नफो हो तो वेचाण कितना होना चाहिए। तो इस टाइप के टॉपिक को ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, तो यहाँ पे भी देखिएगा 2,50,000 का नफो है और हमें फाइंड आउट क्या करना है वेचाण की वैल्यू, तो अगेन वो समतुल्य बिंदु ही बनता है, समतुल्य बिंदु न वेचाण। तो फॉर्मूला कैसा होने वाला है कि स्थिर खर्चा तो होता ही हमेशा, स्थिर खर्चा प्लस करना रहेगा नफो, क्योंकि इतना नफो हमें कमाना है, स्थिर खर्चा प्लस नफो अपॉन में आएगा पीवी गुणोत्तर। स्थिर खर्चा जो फाइंड आउट किया हुआ 1,25,000 प्लस नफो जो सम्स में दिया गया है जितना हमें कमाना है यहाँ, ये 2,50,000 अपॉन में पीवी कितना है 0.2, तो प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 18,75,000 रुपए। ये हो गया इतना नफो कमाने के लिए, ये होगा अपना वेचाण। तो यहीं पर ये सम्स हो गया अपना कंप्लीट, जो चार टॉपिक मांगे गए थे सम्स, ये 2012 का सम्स था। तो समझ में आ रहे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में, जिससे जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रोथ मिले और मैं आपके लिए सीधा नए नए वीडियो लाता रहूं। थैंक यू।